Hello everyone, welcome to Learn and Craft with me. In this video, we are going to discuss class 8 maths ke exercise 5.2. Okay, so in previous video, humne question number 1 ke question number 3 tak cover kar chuke hain. So, aaj ke is video mein hum discuss karenge question number 4 se. Okay, bachcho, to yahan pe hume bola gaya tha, find the square of following numbers. Matlab ki जो भी नंबर्स हमें गिवेन है, नंबर्स को हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था. ठीक है, हमने 32, 35 एंड 86 को ऑलरेडी स्क्वायर कर चुके हैं, तो अभी हम करेंगे 93 को. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 93. ठीक है, तो हमें क्या करना है, 93 का स्क्वायर करना है. देखो यहाँ पे हम 93 को ऐसे 90+3 लिख सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हमने होल टू द पावर स्क्वायर लिख दिया है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले 90 को मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर को, नंबर से. ठीक है, तो पूरे नंबर्स में क्या है, 90+3 है ना, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट पे क्या है, यहाँ पे देखो प्लस साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस साइन डालेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे पूरे नंबर्स को, तो पूरे नंबर्स में है 90+3. ओके, तो इस वाले जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको याद रखना है. ठीक है, तभी आप लोग कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 90 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देन 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. तो 90 को 90 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 90 × 90 आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट प्लस साइन है, तो हम प्लस डालेंगे, नेक्स्ट 90 × 3 आ जाएगा. ठीक है, बीच में प्लस साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस डालेंगे. ओके, नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करना है 90 से, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 × 90. बीच में प्लस साइन है, तो हम प्लस डालेंगे, नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 × 3. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी मल्टीपल वाला नंबर है उसको हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो अभी देखो 90 × 90, अभी क्या आ जाएगा, 99 × 81. यहाँ पे 20 है ना, तो यहाँ पे हम 20 डाल देंगे. ठीक है, नेक्स्ट 9 × 3 = 27, यहाँ पे 0 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखो, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम प्लस डालेंगे, 3 × 90 = 270. ओके, नेक्स्ट 3 × 3 = 9. ओके, अभी इसको हम प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मतलब 8649. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 93² = 8349. ठीक है बच्चों, तो हियर इज आवर आंसर. समझ में आ गया ना, आप लोग अच्छी तरह से उसको नोट डाउन कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 71. ओके, इसको हमें स्क्वायर करना है, तो 71 को हम क्या लिख सकते हैं, 70+1. ओके, देन होल टू द पावर स्क्वायर. नेक्स्ट क्या करना है, 70 को मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर से, मतलब 70 × 70+1. ओके, देन प्लस साइन है, तो हम प्लस डालेंगे, देन 1 से मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर्स को. ठीक है, 70+1. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. देन हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे. उसके लिए 70 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से, देन प्लस साइन है, तो हम प्लस डालेंगे, नेक्स्ट 70 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 70 × 1. ठीक है, नेक्स्ट प्लस साइन है, तो हम प्लस डालेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से, देन 1 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से. ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 × 70. प्लस साइन है, तो हम प्लस डालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा 1 × 1. यहाँ तक समझ में आ गया. नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 7 × 7 = 49, 2 × 0, तो यहाँ पे 2 × 0 आ गया. नेक्स्ट 70 × 1 = 70,
वन इंटू सेवेंटी इज इक्वल टू सेवेंटी, देन वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। ओके अभी इसको प्लस कर दो, कितना आएगा मतलब 5041। ओके तो हमारा आंसर आ गया 71 स्क्वायर इज इक्वल टू 5041। ठीक है बच्चों समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 47। ओके तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। ठीक है ओके तो क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं 46। ओके तो 46 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 प्लस 6 सेम ही है, इसको हम स्क्वायर करना है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, 40 को मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर से, तो 40 प्लस 6 आ गया। नेक्स्ट प्लस साइन है तो हम प्लस डालेंगे, देन 6 से मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर्स, पूरे नंबर्स में क्या है 40 प्लस 6। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 40 × 40। प्लस साइन है तो हम प्लस डालेंगे, नेक्स्ट 40 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। ओके नेक्स्ट 6 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो 6 × 40। देन प्लस साइन करना साइन है तो प्लस डालेंगे, नेक्स्ट 6 × 6। ओके ठीक है बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, 2 × 0 तो यहाँ पे हम 2 × 0 डालेंगे, यहाँ पे 40 × 6 मतलब कि 4 × 6 = 24, 0। ओके 6 × 4 = 24 एंड यहाँ पे 0। ओके देन 6 × 6 = 36। ओके यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पूरे नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो टू वन वन सिक्स मतलब कि 46 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2116। ओके तो हियर इज़ आवर आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।